गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक आर्मी ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। आर्मी ऑफिसर नीरज चोपड़ा, जो इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर है, उनकी रैंक JCO, याद रखना JCO, जूनियर कमांडेंट ऑफिसर। ये आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं आउट ऑफ कंट्री के अंदर। ये आर्मी के अंदर सूबेदार है, याद रखना। ये पानीपत से है, हरियाणा स्टेट के अंदर पानीपत से है, याद रखना। ये इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था, इनकी एज अभी 24 ईयर्स है, याद रखना। ये इंडियन आर्मी से है, इंडियन आर्मी के अंदर इनके शोल्डर पे दो स्टार है, दो स्टार मतलब JCO, जूनियर कमांडेंट ऑफिसर। ये जेवलियन थ्रो के प्लेयर है, जेवलियन थ्रो को क्या बोलते हैं, बर्छी फेंक, भाला फेंक, याद आया आपको, मैंने बताया था बर्छी फेंक, भाला फेंक। जिसको नहीं पता उसको मैं लास्ट में वीडियो दूंगा, उसमें ध्यान से देखना किसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं। इनका बेस्ट जो जेवलिन थ्रो का थ्रो करते हैं, जो जमीन से लेके बहुत दूर जहाँ आप खड़े हो वहाँ से दूसरी ज़मीन पे डालना, जैसे हवा में थ्रो करना है, और जब ज़मीन के ऊपर उसकी आगे की टो, वो आपको वीडियो में अच्छे से क्लियर दिखेगा, अभी मैं समझा रहा हूँ आप समझ लो अच्छे से। जो आगे की टो ज़मीन पे सीधी पड़ जाएगी तो वहाँ से उनका पॉइंट होगा, मतलब वहाँ से मीटर होगा। तो इनका बेस्ट 88.07 मीटर, इतना दूर इन्होंने फेंका हुआ था। इनके मेडल एशियन गेम के अंदर 2018 में, एशियन गेम के अंदर जकार्ता के अंदर जेवलिन थ्रो में इनका गोल्ड मेडल है। 2017 में ओडिशा के अंदर भी गोल्ड मेडल है इनका। फिर साउथ एशियन गेम हुई थी 2016 में गुवाहाटी के अंदर, उसमें भी इनका गोल्ड मेडल है। वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जो बाइगोस में हुई थी उसमें इनका गोल्ड मेडल है। फिर 2016 के अंदर एशियन जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इनका सिल्वर मेडल है, और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल है। ये इंडिया के एक ऐसे एक सिंपल, याद रखना बेसिक, ये इंडियन आर्मी के अंदर से स्पॉट कोटा से खेलते हैं। ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, हर डिफेंस एरिया में, हर गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, जैसे हर डिपार्टमेंट के अंदर स्पॉट कोटा होता है, ये इंडियन आर्मी के स्पॉट कोटा से खेलते हैं। ये JCO है, अभी भी याद रखना JCO, जूनियर कमांडेंट ऑफिसर, टू स्टार है इनके ऊपर। और इनके गेम में जेवलिन थ्रो, बर्छी फेंक जिसको बोलते हैं, भाला फेंक बोलते हैं जिसको, और ये पानीपत में इनका जन्म हुआ था, याद रखना आप। अब मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ओके, थैंक यू। What about this massively talented Indian, Neeraj Chopra, world junior champion in a world junior record 2 years ago. And now Neeraj Chopra set a world record at junior level. What can the Indian do? First up, wonderful in qualifying. Oh, good throw. Great leverage, great height, great distance over the 85 meter mark. Remarkable. He's got a personal best of 86.48, a season best of 85.94, and I'd imagine that is close to the over the 85 meter mark. meters. He goes into the lead, and he goes into the lead comfortably. Yeah. Now Chopra, the current leader. Can he go beyond 86.47? Boy, he's unorthodox. He just launches himself at it. Oh, that goes beyond his first throw of 86.47. The man is on fire. Does it go beyond that first throw of 85.50? 86.47 for Neeraj Chopra. Throw of 82.20 will be good enough for him.
to take home the bronze medal. Chopra, look at that. That is a red flag out of the front of the circle, but it won't matter for him. India will win a gold medal in the field, in the men's javelin, a dominating performance. A first up round throw of 85.5 metres and then a fourth round best of 86.47. And it will be the Australian, Hamish Peacock, who will take home the silver medal with a personal best throw of 82.59 metres. He did that in the fourth round. So India, Australia, the gold medalist and Commonwealth champion, well, this representing guy, India, Niraj Chopra. Cool as a Chopra. Cucumber, 20 years of age. He's got the long hair. He wears a bandana when he competes. The world junior champion is now the Commonwealth champion. And I rather suspect a very excited welcome awaits him when he returns to India. He's the Asian champion from last year as well. A real star in the making. PB of 86.48. Another couple of meters on that, and he'll be